हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में नेचुरल रेमेडीज के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है स्विच वर्ड्स, और वो स्विच वर्ड्स जो हमारी डे टू डे फैमिली लाइफ में जो इश्यूज आ रहे होते हैं उनको हम कैसे नॉर्मल वे में एक्सेप्ट करें या उनके लिए अपने घर में अपने माहौल में बेटर कंडीशंस बनाएं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आपको ये सारी जानकारी मिलती है छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा। मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, जिसमें आपको रेकी, फेंग शुई, वास्तु, स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, हर टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत इजी हैं, जिनको आप समझ के इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फैमिली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम अपनी जो रोज़ों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको हम कैसे खाली स्विच वर्ड्स के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। ये टॉपिक भी कैसे आया, जो हमारे पास हीलिंग आती है या इन जनरल जब हमारी बातचीत होती है, क्योंकि जब भी हीलिंग किसी की भी लेते हैं तो उनकी पूरी बैक हिस्ट्री ली जाती है कि क्या क्या इश्यूज हैं लाइफ में। तो कुछ चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि आपको ही सिखा दें कि आप उस चीज़ को करते रहें। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे मेंटल टेंशन का कारण भी होता है। तो यदि मेंटल टेंशन आपको इन चीज़ों के कारण हो रहा है, तो यदि आप ये सिंपल स्विच वर्ड्स चेंट करके अपनी इशू को खुद ही रिजॉल्व करें तो कितना अच्छा होगा। तो ये, और इसको आप प्रैक्टिस करके फॉलो करके मेरे को रिजल्ट ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जितने भी मैं आपको स्विच वर्ड्स बता रही हूँ ये सब टेस्टेड हैं और हर एक कप का मीनिंग है इन। ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के चार स्विच वर्ड्स हैं जो पूरी यूनिवर्स में जिनकी, क्योंकि देखिए जो हम सदियों से कुछ शब्द, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे वो इंग्लिश के हैं, जो हम प्रयोग में कर रहे हैं उनके कुछ मीनिंग होते हैं जो हम विद इंटेंशन चेंट करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो वो हमारे को डेफिनेटली रिजल्ट देते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्विच वर्ड है कि हम यदि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आज कल देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे, बच्चे के बच्चे भी साथ में हैं, चाहे वो एक ही जगह में रह रहे हैं या आसपास रह रहे हैं, तो सबका मतभेद होता है। अब क्योंकि फैमिली बन चुकी है हमारी, जब फैमिली बन चुकी है तो हम उनके साथ अपने रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे इंसान को हम अपने जीवन में कैसे स्वीकार कर लें, कैसे अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ा लें, उस इंसान को कैसे अपने जीवन में रखें, फैमिली लाइफ में रखें, चाहे वो सिस्टर इन लॉ के रूप में है, चाहे मदर इन लॉ के रूप में है, चाहे बच्चों के रूप में, किसी भी रूप में है, तो उसके लिए जो हमारा बहुत ही मैजिकल पावरफुल स्विच वर्ड है, रीच लाइट। रीच लाइट, आप अनकाउंटेड इसको रीच लाइट, रीच लाइट, रीच लाइट, रीच लाइट इंटेंशन डाल के आप चेंट करते रहें। और इसकी वाटर थेरेपी ले सकते हैं, हर जितने भी मैं आपको नंबर बता रही हूँ सबकी वाटर थेरेपी ले सकते हैं। आप एक वाटर बॉटल लें, प्रेफरेबली यदि वाइट लें और कांच की लें तो बहुत अच्छा है, अदर यदि वो नहीं है तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, अदरवाइज आप बहुत लाइट शेड की कोई भी बॉटल ले सकते हैं और उसके ऊपर आप ब्लू कलर से या किसी भी कलर से आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे रीच, REACH, रीच डैश लाइट, LIGHT लाइट, एंड उससे आप पूरे दिन पानी पिए। खाना भी बना रहे हैं तो आप उससे खाना बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी फैमिली मेंबर्स में उनमें सब में टुगेदरनेस आएगी और सब लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में सक्षम होंगे। इसको हम ब्रॉडकास्ट एनर्जी सर्कल भी बना के लगा सकते हैं। एक सर्कल में आप रीच डैश लाइट कैपिटल लेटर्स में लिख के अपनी अलमीरा के ऊपर या अपने रूम में सामने, यदि आप सामने नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपनी अलमीरा के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखें, अंदर सर्कल के अंदर आप नाम लिखेंगे और उसको आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूनिवर्स में लगा दें एंड देखें कितना आपको फ़र्क लगता है। दूसरा जो स्विच वर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सारे स्विच वर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, जैसी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उस हिसाब से आप इन स्विच वर्ड्स को प्रयोग करेंगे। मास्टरिंग योर वर्ल्ड, यदि आप जैसा रहना चाहते हैं उस वर्ल्ड की आप मास्टरी करना चाहते हैं, मास्टरिंग योर वर्ल्ड, उसके लिए है आपका 53 टुगेदर। बस आप अपने को किसी भी चीज़ में मास्टरिंग करना चाहते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, 53 टुगेदर
53 टुगेदर। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सभी लोग आपके साथ, आपके गोल में, आपके वर्ल्ड में सहयोग दे रहे हैं। और सेम इसको भी वाटर टेक्निक एंड आपका ब्रॉडकास्ट एनर्जी सर्कल बना सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, हम बहुत सारी सिचुएशंस में लोग क्या कहेंगे दूसरों के लिए ही वरी करते रहते हैं और हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं, दूसरों के बारे में ही सोच सोच के डिसीजंस लेते रहते हैं और अपने को और अंडर प्रेशर रखते चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है हमारा क्वाइट मास्क, ये आप चेंट करें। स्पेलिंग आपकी कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी, QUIET-MASK मास्क, क्वाइट मास्क, क्वाइट मास्क, क्वाइट मास्क। आप देखेंगे कि कैसे आपकी नेचर ऐसी होने लगेगी कि आप जो एक कहते हैं ना, हर इंसान दो मुखौटे लेके घूम रहा होता है। तो मुखौटा जब क्या होता है कि जब मुखौटा के कारण हमारे जीवन में परेशानी आने लगे तो बेटर टू अंडरस्टैंड कि क्या मुखौटा आपके जीवन में अहमियत रखता है। तो हमारे को दूसरों की चिंता ज़्यादा ना करके हमारे लिए बेस्ट क्या है हमारे को वो सोचना चाहिए। क्वाइट मास्क, क्वाइट मास्क, क्वाइट मास्क इसके लिए है। चौथी सिचुएशन है हमारी अपने माइंड को क्लियर करना। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, फैमिली में इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे को क्या करना है, हम डिसीजन लेने की हमारी क्षमता ही खत्म हो जाती है। जैसे माइंड एकदम से बंद हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, क्या आप एक्शन लें उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए आप बोलेंगे क्वाइट स्लो, QUIET-QUIET-SLOW। इस प्रकार से आपकी अपने माइंड को क्लियर करने के लिए ये वाले स्विच वर्ड्स कर सकते हैं। इनको यूज़ करें और फिर अपना रिजल्ट शेयर करें। टेक्निक, वाटर बॉटल पे लिखें, तीन से ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं। जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के आधार पे आप चूज़ करें और अपनी वाटर बॉटल पे लिखें, उससे पानी पिएं, उस पर्सन को भी पानी पिला सकते हैं सेम, ताकि सिचुएशंस हमारी लाइफ में कैसे चेंज होगी। यूनिवर्स करने वाला है, हम सिर्फ एक मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं। और आप ब्रॉडकास्ट के लिए सर्कल में उस पर्सन का नाम लिख के भी अपने अलमारी के ऊपर या अपने रूम में सामने या पिलो के नीचे भी लगा सकते हैं। देखिए एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो आगे आने वाला समय बताता है। आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। जैसे मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया है, अकॉर्डिंग टू आप एक सर्कल बनाएं, इसको आप लेमिनेट करके भी अपनी अलमीरा के ऊपर या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एनर्जी सर्कल बहुत तरह के होते हैं, इसमें आप बेस पिंक लें तो बहुत अच्छा काम करेगा, और अंदर ब्लू कलर से भी लिख सकते हैं, पिंक कलर से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, आपको क्या कलर अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए जितने लोगों को आप सुनते होंगे सबके अलग अलग मान्यता होती हैं और कोई टीचर गलत नहीं होता है, सब अपनी अपनी जो हमने हमारे एक्सपीरियंस होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे आप तक ये रेमेडीज पहुँचाई जाती हैं। अगर मैंने जो मैं बता रही हूँ उसके मेरे को रिजल्ट्स हैं तो वो मेरे लिए मेरी रेमेडी है, और यदि कोई और दूसरे टीचर बता रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत लोगों के ऊपर इसका प्रैक्टिकल करने के बाद ही ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो आशा करती हूँ ये कड़ी यहीं आपको अच्छी लगी होगी, और अगली कड़ी में हम बात करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी समस्या जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, वेट करें उसके ऊपर, आप जल्दी ही आपको मिलेगी वो वीडियो भी और उसका समाधान भी मिलेगा। थैंक यू।